सीएम की 13वें दिन की जन आशीर्वाद यात्रा खटखड़ गांव पहुंच गई। हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। खटखड़ में मुख्यमंत्री ने 14 परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्होंने लोगों को योग करने की सलाह भी दी। हरियाणा में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कुमारी सैलजा का चंडीगढ़ में कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चुनाव समिति के चेयरमैन बनने से और कुमारी सैलजा के कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनने से कांग्रेस के समीकरण बदलेंगे और कहा कि बीजेपी भले ही 75 सीटों का आंकड़ा पूरा ना कर पाए लेकिन कांग्रेस 85 के आंकड़े को जरूर छू जाएगी। पलवल में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महासचिव हर्ष कुमार की अध्यक्षता में जेजेपी का दामन थामा। इस दौरान हर्ष कुमार ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार से भारी दुखी है। बीजेपी सरकार ने प्रदेश के लोगों से किए गए वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। हरियाणा कांग्रेस के पार्टी में फेरबदल पर केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कोई भी फेरबदल कर ले या कोई हथकंडे अपना ले लेकिन 2019 के विधानसभा के चुनाव में जीत नहीं हासिल कर पाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार फिर से 1987 का इतिहास दोहराएगी। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नए पद को लेकर कुरुक्षेत्र सांसद नायब सैनी का कहना है कि कांग्रेस के पैरों तले से जमीन निकल चुकी है। इनको जनता ने नकार दिया है क्योंकि कुमारी शैलजा का भी कार्यकाल जनता जानती है। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो बुझा हुआ दिया है। रेवाड़ी और पंचकुला में नागरिक अस्पताल में डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। अस्पताल के 93 डॉक्टरों में से 91 डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो 9 सितंबर को वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। झज्जर में पंडित श्रीराम शर्मा पार्क में धरने पर बैठे वर्ल्ड कॉलेज के छात्रों से गीता भुक्कल मिलने पहुंची। उन्होंने छात्रों की मांगों को जायज बताया और मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और झज्जर जिला उपायुक्त संजय जून से भी फोन पर बातचीत की। यमुनानगर के टोपरा कला में राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अशोक स्तंभ का शिलान्यास किया और गांव चनेटी में स्थित बौद्ध स्तूप के दर्शन किए। किरण रिजिजू ने लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि संस्कृति मंत्रालय से बात करके इस जगह को बड़े स्तर पर विकसित करने और पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश करेंगे। गुरुग्राम में ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस ने 59,000 का चालान काटा। दरअसल ट्रैक्टर चालक नए मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं कर रहा था और शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद मौके पर तैनात पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में लिया। कई नियमों के तहत करीब 59,000 का चालान काट दिया गया। फरीदाबाद के तिगांव के राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल इकबाल सिंह संधू पर स्कूल जाते वक्त बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें प्रिंसिपल को गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहीं वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसे लेकर पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है।